तो ये इस पार्ट में अपन बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से मेरे को लगता है कि शायद ही ऐसा कोई फील्ड हो जिसमें नुकसान ना हो। हाँ। तो अपन घोड़े के फील्ड से हैं तो हम घोड़े के बारे में बात करेंगे। तो बेचारे जो नॉर्मल घोड़े वाले हैं और जो निम्न क्लास घोड़े वाले हैं, जो शादी बारात में घोड़े चलाते हैं, उनके लिए अभी तक कोई यूनियन नहीं बनी है ऐसी। पर घोड़े वालों में मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यूनियन नहीं है, पर यूनियन है, पर वो मदद करती है नहीं करती है वो आपको पता हो या मेरे को भी पता हो कि भाई करती है कि नहीं करती है, क्योंकि कुछ घोड़े वालों से मैंने बात की, उनकी किसी ने कोई मदद की नहीं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि उनकी मदद करनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो बेचारे उन घोड़े वालों की मदद की जा सके? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कि जो लोग एक सोसाइटी बता रहे हैं, हॉर्स सोसाइटी, तो हॉर्स आया सर उसके आगे, हॉर्स किसी भी ब्रीड का हो वो घोड़ा ही होता है। घोड़ा रखने वाला जो है वो हॉर्स लवर ही होता है, ठीक है। अब वो तांगा चला रहा हो या शादी ब्याहों में लगा रहा हो, पर वो तो खच्चर हो, कुछ भी हो, वो तो उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। या कोई शौकीन लोग पे लोग पाल रहे हो, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े स्टड वाले हैं, जो अपने आप को एक हॉर्स लवर कहते हैं, बड़ा ब्रीडर कहते हैं, तो उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार अगर जैसे अभी लॉकडाउन है, सब लोगों के पास में काम नहीं है, ठीक है, उनके बेचारों के पास में पैसा नहीं है घोड़े को कुछ खिलाने का और खुद खाने का। अब जिसके घर में घोड़ा हो सर, आप जान सकते हो कि 400-500 रुपए घोड़े का खर्चा पड़ता है, अच्छे घोड़े का 700 रुपए पड़ता है, बड़े ऑस्ट्रेलियन का ज्यादा पड़ता है, जो दूसरी घोड़ी है उनका बेचारे का 250-300 रुपए। तो अभी लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, तो हमको क्या करना चाहिए कि जो भाई हॉर्स परिवार है एक, जिन्होंने सोसाइटी बना रखी है, जहां से सोसाइटियां, सबसे पहले तो उनको ये एक्शन लेना चाहिए कि जो भाई इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या जो नीचे जो जॉब होती है इनकी, एम्प्लॉयर जितने भी ये हैं, सबसे पहले तो ये चीज इनको सोचनी चाहिए। जो आप चैनल वाले सोच रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो ये चीजें किनको सोचनी चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं लोगों के, जो आज नया स्टड खोल रहा है, जो उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उन लोगों को ये चीज पहले सोचनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम जैसे, मैं शौकीन आदमी हूँ, ठीक है, मुझे क्या सोचना चाहिए कि यार हम 10 लोग मिलकर अगर मेरे आसपास इलाके में ऐसा है या दूसरे इलाके में ऐसा है, तो सबसे पहले हम पता करें कि यार किस आदमी के साथ में ऐसा हो रहा है, कौन भुखमरी से मर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए कि 50,000 रुपये मैं देता हूँ, 50,000 मेरा दोस्त दे रहा है, वो अगर 20,000 दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जितना अमाउंट है। जो मैं तो कह रहा हूँ, अगर किसी की अगर 10 रुपए की सद्दा, तो वो 10 रुपए भी दे, जो जितना दान कर सकता हो वो आगे आके दानवीर बने, ठीक है, वो कम से कम उनके पास में थोड़ा सा अमाउंट तो बेचाओ, और पैसा मत दो उनको, खाने का ही उनका पैसा अगर ना दे सकते हो तो एक पिकअप जो आती है वो चारे की भरकर अगले के घर पे पहुंचवा दो। यार 4,000 रुपए में ट्रैक्टर भर जाता है आजकल, है जो के खाकले का, आप जवार की कुट्टी लो या खाकला लो या मूंगफली की पानड़ी लो, सबके घर में आपको इनके स्टॉक भरे हुए मिलेंगे। लेकिन कोई भी हॉर्स लवर एक पुअर हॉर्स लवर को हेल्प नहीं करेगा, क्यों सर, उसको बेनिफिट नहीं है क्या? आजकल जितने भी हॉर्स लवर है, मैं तो इनको क्या बोलूं यार, मैं तो इनको वो क्या, अब किसी का नाम भी नहीं ले सकते, किसी जाति पे भी नहीं जा सकते, मैं तो इनको जानवरों पे तो जा सकते हैं, मैं तो इनको वो होते ना जो शेर का शिकार छीन के ले जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, हाइना, लक्कड़बग्गे, तो ये लक्कड़बग्गों की श्रेणी में आते हैं, जो बेचारा खुद सक्षम होकर, अगर जैसे मैं अभी सक्षम हूँ, अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकता तो मैं अपने आप में सक्षम नहीं हूँ। अगर मैं अच्छे दिल का हूँ, अगर मैं किसी के ऊपर दया नहीं दिखा सकता हूँ, तो मेरे अच्छे मन का कोई मतलब नहीं है, मेरी एक अच्छी पर्सनैलिटी का कोई मतलब नहीं है। भाई जो आदमी किसी के ऊपर दया करता है वो उसको हमेशा याद रहता है, दया का उल्टा होता है याद। तो आप किसी के ऊपर अगर दया करोगे तो भगवान प्रकृति आप पे दया करेगी। आप अगर भगवान को ना मानते हो तो कम से कम इन 5 एलिमेंट्स को तो मानो। क्योंकि इस टाइम पे मैंने क्या, बहुत सारे लोगों का जैसे हमारे पास में फोन आया, मैंने इंटरव्यू भी किया लॉकडाउन में, तो उन लोगों ने जैसे उनके पास में गाड़ी थी, वो बेच के 3 महीने का राशन कर लिया, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर हम इनका पेट कैसे पाल रहे ना वो हम ही जानते हैं, इनको तो हम तो भूखे रह सकते हैं कि भाई चलो भूखे, पर ये इनको भूखा नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, एक दिन भी नहीं रहते हैं घोड़े भूखे। और शादी बारात वाले तो क्या है कि वही वाला काम रहता है उनका, सुबह लाए और शाम को खाए वही वो रहता है। तो ऐसे में तो अगर घोड़े वाले अगर नहीं सपोर्ट करेंगे, घोड़ा कम्युनिटी नहीं सपोर्ट करेगी, हर किसी की यूनियन बनी हुई है, बनी हुई है, पर घोड़ों वालों की कोई यूनियन नहीं है। घोड़ों की भी बनी हुई है, यूनियन रजिस्टर्ड है, लेकिन ये तो सो रहे हैं। पर ऐसे बोलते हैं कि अब कुछ काम के नहीं है तो हम, मैं उसको क्या बोलूं उसके बारे में। अभी जैसे ऐसी यूनियन की जरूरत है जो काम करे,
अब ऐसे बोलते हैं कि हर जगह पे अगर देखा जाए अपने राजस्थान में पंजाब में जहाँ पे भी घोड़े हैं हर जगह एक अच्छा ब्रीडर है, अगर अच्छे ब्रीडर के कॉन्टेक्ट में अगर वो आप अपने आसपास के घोड़ों वालों की मदद करे तो मेरे को बोलता है इंडिया में कोई घोड़ा वाला ऐसा ना हो जिसको घोड़े मर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है ना? सही बात है। तो सबसे पहले ये मदद किसको करनी चाहिए, जो बिग डील लिखते हैं कि आज मेरा घोड़ा 70 लाख का बिका, तो अगर यार 70 लाख में से आप किसी की मदद में 70,000 रुपए निकाल दोगे तो क्या जाएगा। अगर ये बड़े बड़े ब्रीडर हैं, अगर ये 1-1 लाख रुपए का चेक भी काट के देना सर, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सर आप ये देखो ना, इस साल मेले नहीं होंगे, नहीं होंगे, रिंग भी नहीं होगी, नहीं होगी, स्पॉन्सरशिप में ब्रीडर 1-10 लाख रुपए देते हैं ना, बिल्कुल देते तो समझे कि आज ये रिंग हमारी, ये लॉकडाउन वाली रिंग है, तो वही समझ के उनको दे दे तो बेचारे उनकी मदद हो जाएगी। बिल्कुल भाई, जो पैसे आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो 10 ब्रीडर मिलके, वहाँ पे आप आपस के जानवरों को जिताते हो, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सच्चे राह में इनके ऊपर इन्वेस्ट कर दो। जिस घोड़े को, मतलब मेरे मित्र का घोड़ा, इसने भी 1 लाख दिया है, मैंने भी दिया है, इसकी घोड़ा नहीं आए तो घोड़ी आनी चाहिए, घोड़ी नहीं आए बड़ी तो अदंत बच्ची इसकी आनी चाहिए, अदंत बच्ची ना आए तो कोई कोल्ट हो इसके पास में, अदंत में दिला दो यार, अगले को 2 दांत में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब फ्रॉड तो सर इस तरह चल रहा है जैसे कोई नाली में पानी बह रहा हो। अब अपने को बच के चलना है कि यार अपना पैर कहीं नाली में ना गिर जाए। हॉर्स लवर तो वो होता है जो खुद के दिल से जानवर को पालता है, खुद के दिल से जानवर की कंडीशन कन्फर्मेशन बताता है और अगले ओनर को रियलिटी बताता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए सर, कि आज अभी जैसे नहीं होता है, 99% ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि आज अगर मैंने किसी से घोड़ी खरीदी और मान लो मेरे घर वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अब मैं जानकार हूँ या नहीं हूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप जानकार हो तो मुझे जानकारी देना आपका फर्ज है। अगर आप रियलिटी जानकारी नहीं बता रहे हैं, डील होने के बाद में अगर मेरी घोड़ी मेरे स्टेबल पे आ जाती है और 4 दिन बाद में मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को घोड़ी पसंद नहीं आ रही है, मेरे को रिटर्न देनी है, तो अगला बंदा फ़ोन नहीं उठाता है, तो रिटर्न लेने का जिगरा भी होना चाहिए। हाँ, तो मतलब यार आप कौन से हॉर्स लवर हो, आपने वो बंदा जो आया वो घोड़े के पीछे ही आया, ठीक है, आज अगर उसके घर पे घोड़ा चला गया और उसके पापा ने मना कर दिया यार अपने को नहीं रखना है, या उसको कैसे भी करके, कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन की अपन बात नहीं करेंगे, किसके घर में कैसी हो वो बंदा जानता हो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती हो तो जिसने जानवर बेचा हो तो उसको कम से कम ये तो कहना चाहिए कि सर आज अगर आप मेरी 3 लाख रुपए में बच्ची ले गए, आपको नहीं पसंद आई, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा करो मेरी रिटर्न वापस बच्ची ले आओ, जाने आने का किराया वो आप बहन कर लें, जो गाड़ी का किराया है, जो बंदा है जिसने घोड़ी पकड़ के बैठी है, 5-10 हज़ार रुपए वो बंदे लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा साला ज्यादा किलोमीटर हो तो 15,000 रुपए लड़का लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घोड़ी को रस्ते में कुछ ना हो जाए, तो कम से कम वो चीज तो करो कि ट्रांसपोजेक्शन फ्री कर दो और अगले की बच्ची वापस लेकर अगले को पेमेंट दे दो। तो इसके ऊपर भी सर लो है, लेकिन क्या है लोग वकील नहीं करते हैं, कानून को ढंग से, अपने संविधान को ढंग से पढ़ा ही नहीं है भारत के लोगों ने। एक चीज ये है ना कि भारत के लोगों ने चलो बहुत सारी बात नहीं भी पढ़ा और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, तो बेचारा पंगा कौन ले वे? पंगा तो सर वो अब देखो जैसे कि आप इतना पढ़वा बोल रहे हो है ना, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपको डर नहीं है क्या? बिल्कुल सर, मेरे को तो डर भगवान से है, मैं मेरे माँ बाप और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ, और मौत का मुझे डर नहीं है, मेरे को जिंदगी का डर है, क्योंकि मौत को लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ जिंदगी देती है, जितना लोग भगवान से नहीं डरे ना वो कोरोना से डर रहे हैं क्या? तो जो भगवान का भक्त होता है, जो राम भक्त है, उसको किसी दुष्ट राक्षसों से डरने की जरूरत ही नहीं, हनुमान जी हमेशा साथ चलते हैं घोटा लेके, और ये अजर अमर है, कलयुग के अंतिम क्षण तक हनुमान जी इस धरती पर है। तो जिनके साथ में धोखा हो रहा है ना सर, मैं तो उनको ये कहता हूँ के केवल एक घी का दीपक जला के हनुमान जी के सामने अर्जी लगाओ, राम का नाम लो, उस घर में अगर नहीं अर्थियां उठने लग जाए तो मेरे को ब्राह्मण मत कहना। पर यह है कि जो चल रहा है लोग बाग सोचते नहीं इतना गहराई में जाके, इतना अपन गहराई में नहीं भी जाएं तो इसमें सबसे बेहतर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप मेरी ओपिनियन क्या रहेगी कि अगर अपन कोई घोड़ा चूज कर रहे हैं तो उसमें दूसरे की राय ना लें, अच्छा दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि उसका भी कमीशन उसमें हो सकता है, वो बिगिनिंग में आपको बोलेगा अच्छा जानवर है, जब घर पे आएगा तो पता लगेगा ये क्या है, यानी कि दलालों के चक्कर में ना फंसे, ना फंसे क्या, अभी घोड़ों में दलाल काफी है, घर पे बैठ के ओनर बन जाते हैं, जबकि बंदा हुआ किसी गांव में किसान के पास में, बच्चा किसान के पास में हुआ है खुद के घोड़े का, ठीक है, अब उस किसान को 70,000 रुपए देकर, जबकि वो किसान 11,000 रुपए में घोड़ी खुलाने आया था, उसने अच्छा बच्चा दे दिया, तो किसान को क्या करेंगे कि यार तूने 11,000 में घोड़ी खुलाई, मैं वैसे 40 लेता हूँ, तो तेरे खिलाने पिलाने का खर्चा क्या पड़ा, ये पकड़ 40,000 रुपए और ये 30,000 रुपए तेरे बच्चे के, 70,000 में खुद के घोड़े का बच्चा ले आएंगे जबकि लोकल घोड़ी पे खोला था, ठीक है, फिर उस बच्चे को लाके 4 लाख रुपए में अपडेट करेंगे। पर एक है ना, एक गलती नया व्यक्ति ये भी करता है कि जैसे कि मान के चलो घोड़ी लेनी है,
तो आपसे भी पूछ लेगा, मेरे से भी पूछ लेगा, छह सात आदमी से और पूछ लेगा। अब भाई एक मान के चलो एक ऑपरेशन अगर डॉक्टर कर रहा है तो एक ही से तो करवाएगा ना, एक ही डॉक्टर से। ऐसा थोड़ी ना कि पेट फटा हुआ है तो सिलवाएगा और किसी से। तो अगर आदमी वीडियो देख रहा है, अगर मान के चलो आपकी वीडियो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि यार इसकी बात में दम है, तो मैं कहता हूँ उसको एक ही व्यक्ति की सलाह ले, ना कि ये कि भैया 20 डॉक्टरों के पास घूमे। सबसे अच्छी बात है ताकि वो कम से कम उसको ब्लेम कर सके, गुमराह नहीं हो, गुमराह ना हो। आप एक चीज अगर देख रहे हो, आपको एक चीज पसंद आ रही है, उसकी जगह मैं आपको अगर 7 वैरायटी दिखाऊंगा तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं भी आज जानकार हूँ, अगर मैं 7 खूबसूरत चीज एक जगह देखूँ तो मैं उस खूबसूरती में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं कौन सी उठाऊँ। ये देख लो ना आप, कपड़े की दुकान में अपन जाते हैं, हमको जींस दिखा देते, पर हमारा मन तो करता है ये सारी ले लें, पर हमारा बजट नहीं रहता उतना। हाँ। तो अपन वही काम करेंगे जो अपने को कंफर्टेबल लग रही हो। हाँ। जो अपनी फिटिंग की हो, अपने प्राइस की हो, अपने को कलर अच्छा लगे, ठीक है। वहां पे भी एक बार ट्रायल लेते हैं अपन, तो वैसे घोड़ों की भी वैसे ही ट्रायल अपने को लेनी चाहिए क्या? ऐसा होता है सर, तो इसमें क्या करना चाहिए? मेरी ओपिनियन ये है कि हम खुद समझदार बने और समझदारी से जानवर खरीदें। अगर फिर भी समझदारी से अगर कोई आपके साथ में धोखा करता है तो सर उसके लिए भगवान है, आप टेंशन मत लो क्या, उसको यहीं पे कर्म का दंड भुगतना है, कोई नरक कोई स्वर्ग नहीं है। जाने अनजाने कोई चोट हो जाए वो बात अलग है, पर आप बिना उसके और लोगों के कहने पे, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उड़ीसा से फोन करते हैं महाराष्ट्र में, हाँ सर घुड़ी ले लेंगे, ये ऐसी है, ये ऐसी है, देखो मैंने मोबाइल पे तुमको फोटो भेजा है। अरे वो मोबाइल पे फोटो देख के कैसे भाग्य विधाता बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए जहाँ पे घोड़ी बंदी है वहाँ आप खुद जाओ, जानवर को देखो अच्छे से, उसको चलाओ, उसकी क्या कंफर्मेशन है, अगले के पास में क्या एविडेंस है वो आप देखो। अगर आप किसी मानते हो कि अब मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ किसी से, तो अपने नजदीकी बंदों से कंसल्ट करो, जो अगर मान के चलो बाई चांस अगर कुछ जरूरत पड़े तो वो साथ में जाके घोड़ी देख भी सके। बस, आपके बस वैसे लोगों से कंसल्ट करो जो बिना स्वार्थ के आपके दोस्त बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करो जो बिना रिलेशन के आपके साथ में रिलेशन निभा रहे हैं, उन लोगों से कंसल्ट करो। आप अगर हॉर्स सोसाइटी में किसी के पास में जाके पूछोगे तो वो तो खुद एक मिली भगत होती है, एक ही बैठक के आदमी है। और फिर क्या ना हॉर्स सोसाइटी, मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, मैं तो क्या है कि हमेशा आवाज़ उठाता हूँ पर और कोई उठाए ना उठाए, पर ऐसे ही बेचारा एक आदमी आवाज़ उठा के भी क्या उखाड़ लेगा, सही बात, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये घोड़े वाले जो रहते हैं उनको सबसे मेन चीज़ ये है कि जो स्टाम्प वाला पैतरा है वो भी सबसे मेन काम में लेना चाहिए, और जो नॉलेज है वो जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो तो नॉलेज देते नहीं है, तो फिर आदमी नॉलेज ले तो ले कहाँ से? सर नॉलेज की बात ये है, आप किसी भी कोई भी किताबें पढ़ लो, आप किसी भी पुराने ब्रीडर के पास में अपना समय गुजार लो, आप किसी भी अच्छे ब्रीडर से इंफॉर्मेशन ले लो, ये सब आपकी धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा ठीक है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रैक्टिकल। जिस दिन घोड़ा आपके घर में आएगा उसी दिन आप सीखना शुरू करोगे, उससे पहले नहीं सीख सकते। आप यूट्यूब पे बैठ के रात को कितनी भी वीडियो देख लो, कितने भी बड़े बड़े ब्रीडर के भाषण सुन लो, आप अगर उस वे पे चलोगे तो आपको घोड़ा अलग ही रास्ता दिखाएगा। अच्छा, तो घोड़े के ऊपर रास्ता डिपेंड है, घोड़ा अपने आप अपनी खूबी बताएगा, घोड़ा अपने आप अपनी चाल बताएगा, घोड़ा कैसा है जब अपने घर में आएगा तब अपने को अपने आप पता लगेगा। जैसे अपन ड्राइविंग की बात करते हैं तो घर में गाड़ी आती है तो घर वाले अपने आप सीख जाते हैं, स्कूल जाने की जरूरत उससे पहले नहीं सीखते, नहीं सीखते हैं। तो जिस दिन अपने पास में घोड़ी आएगी घर में, या घोड़ा आएगा या बच्चा आएगा, तो उसको कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कैसे घुमाना है, वो बंदा अपने आप सीख जाएगा। अच्छा, जब घर में घोड़ा आएगा अब उसको घुमाना है तो चार से पूछेगा यार इसको कैसे घुमाया जाता है। अब उसके पास में घोड़ा खड़ा है तो बंदा आएगा कि देख भाई इसको ऐसे रस्सी पकड़ते हैं, ऐसे इसको लंजिंग देते हैं, लंजिंग कैसे दी जाती है, पानी कब पिलाना है। अब कोई कोई ब्रीडर बोलते हैं सर पानी घंटे बाद पिलाना चाहिए, कोई पानी की टंकी पास में बना के रखता है, कोई अपने हाथों से पानी पिलाता है, कोई लड़कों के ऊपर छोड़ देता है, सबका अलग अलग तरीका है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन ही आदमी को सिखाती है। ड्राइविंग, डॉक्टरी, राइडिंग, ये रोज नया आपको चीज सिखाएगी। कोई नहीं कह सकता मैं इन मामलों में परफेक्ट हूँ। ये रोज नया रास्ता दिखाते हैं, रोज नया रुबाब दिखाते हैं, रोज नई एक्टिविटी दिखाते हैं। कल अपन घोड़ी पे घूम के आए, आराम से घुमा रही थी, अपन ने कह दिया लगाम की पक्की है। परसों जब अपन वापस उसको लेके गए तो अलग एनवायरमेंट देख के घोड़ी चमकना शुरू हो गई, लगाम ही नहीं लगा रही है, तो फिर अपन क्या बोलेंगे उसको? सिचुएशन दिखा रही है वो चीज, आज घोड़ी की इच्छा नहीं है या आज घोड़ी किसी चीज से चमक गई है इसलिए ऐसा कर रही है। तो वो घोड़ी पे अपन रहेंगे, घोड़ी अपने पास रहेगी तो अपने को घोड़ी की एक्टिविटी पता लगेगी क्या। अभी जैसे कई घोड़ियां रुबाब में खतरनाक होती है तो वो अच्छा ब्लड होता है उनका, उनमें रुबाब होता है, करंट होता है, उनका खिलाई पिलाई अच्छी हुई है, ठीक है। और कोई जानवर ऐसे होते हैं कि यार दिखने में भी अच्छे होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इनके ये जीन्स है, ये एक परिवार से आती है, जेनेटिक चीजें कहते हैं इनको अपन, तो ये परिवार से ही मिलता है। इसीलिए घोड़ों की एक लाइन एज बनी है, ब्लड लाइन एज का मतलब होता है एक कंफर्मेशन
अभी जैसे अननोन घोड़ी है तो उसको अपन खराब नहीं कहेंगे, घोड़ी की कट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, घोड़ी का ढांचा अच्छा होना चाहिए, घोड़ी का अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, घोड़ी की जो खूबसूरती है वो अच्छी होनी चाहिए। अब वो अननोन हो या लाइन से हो कोई मैटर नहीं करता है, घोड़ी की खूबसूरती मैटर करती है। इसी तरह जैसे रिंग में जब जानवर खड़े होते हैं तो जज लोग उनमें कोई लाइनेज नहीं देखते, कोई घोड़े का बच्चा नहीं देखते हैं या उस घोड़े का ओनर नहीं देखते हैं। इन नेशनल गवर्नमेंट रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक ऑर्गेनाइज करते हैं खुद हॉर्स ब्रीडर बन के प्राइवेट इवेंट, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नेशनल रिंग होती है, जो गवर्नमेंट की रिंग होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जज उतरते हैं, जो पुराने जजेस हैं, जो घोड़ों की घोड़ों में जानते हैं, तो वो घोड़े में क्या देखेंगे कि घोड़ा कितना परसेंट मारवाड़ी है, आगे जाके ये कैसे बच्चे प्रोड्यूस करेगा। अगर इस पॉइंट की घोड़ी है, अब जैसे रिंग में पॉइंट भी देखे जाते हैं, सबसे पहले घोड़ी की कन्फर्मेशन देखेंगे, घोड़ी की बनावट कैसी है। तो घोड़ी की बनावट अपन कैसे देखते हैं, घोड़ी की नेक कंडीशन यहाँ से ब्रॉड और ऊपर से नैरो होनी चाहिए, ठीक है। उसकी ये जो लेंथ है, घोड़ियों में क्या देखा जाता है, अब जो ये लेंथ है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसी में बच्चा पलता है, ठीक है। ये चीज ब्रॉड होनी चाहिए, अच्छा ये चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, हाइट मेजर नहीं करेगी। 60 की घोड़ी है वो इतना खूबसूरत बच्चा देगी कि आपको 64 की घोड़ी भी ना दे सके, अच्छा ठीक है। ये घोड़ी की कन्फर्मेशन होती है। जैसे भी मैं बात करूं पुराने जो नामचीन घोड़े हैं उनकी आप कन्फर्मेशन पीछे की घोड़ियां उठाओगे तो यही हाइट मिलेगी, एकाध घोड़ियां होगी जो आपको 64-65 नजर आएगी। जैसे गजगामिनी दिलबाग की मेहर काफी बड़ी थी, आलीशान की भी बड़ी थी, लेकिन आलीशान खुद कितनी हाइट का था जिसने आज लीजेंड घोड़े पैदा करें। अच्छा आलीशान जब था उस समय नामी दूसरे घोड़े नहीं थे, उस घोड़े को काफी घोड़ियां मिली, तो उसको खुद का एबिलिटी दिखाने में उसको समय मिला, उसको घोड़ियां मिली, तब जाके आज उसके आगे लीजेंड लगा था। आज वो उस दुनिया में नहीं है, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। आलीशान ने जितने सुंदर बच्चे दिए मार्केट में, मैं नहीं मान सकता कि कोई और घोड़ा दूसरी लाइन का देगा, क्योंकि तूफान लाइन जितनी भी रिंग होती है उसमें आप ये उठा के देख लो, कोई ना कोई बच्चा आपको आलीशान और तूफान लाइन से ताल्लुकात रखता नजर आएगा, वही बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, या रनर अप रहेगा, कहीं ना कहीं ताल्लुकात जरूर होगा। तूफान, अभी जैसे मैं बात करूं सर के, तूफान अभी जैसे जो घोड़ा नहीं है, जैसे लेट तूफान नहीं है, आलीशान नहीं है, काफी ऐसे नामचीन घोड़े हैं जो आज नहीं है, अगर मैं उनकी आगे की कन्फर्मेशन पूछूं तो किसी को नहीं पता है आलीशान कौन सी लाइन का था। ये आलीशान लाइन करते हैं, ये मैं इनसे पूछता हूँ आलीशान कौन सी लाइन का था। अच्छा आलीशान छोड़ो, तूफान कौन सी लाइन का था बताओ, नहीं बता पाएंगे। तो जो ज़्यादा ब्रीडर बनते हैं ना बड़े बड़े, कहने काले काटे की बच्ची है साहब, उनसे कभी पूछना कि तूफान की कन्फर्मेशन क्या है, संगरिया गांव उनको जाना पड़ेगा, उनसे भी पूछेंगे तो कन्फर्मेशन अगर उनको पता है तो वो बता सकते हैं क्या। अभी जैसे मैं आपको ये पॉइंट देता हूँ बिना कुछ लिए, बिना कुछ स्वार्थ के, भाई तूफान एक पाथेड़ी लाइन से था, पाथेड़ी लाइन का घोड़ा था, आलीशान भी उसी लाइन से बिलोंग करता है, लेकिन जब तूफान किसी स्टेबल में आया तो उसने खुद की लाइनें शुरू कर दी बनाना, उसका पीछे का पास तो भूल गए लोग। अब वो लोकल घोड़े का भी तो हो सकता था, हो सकता है, वो मालिक नहीं है उसका, अच्छा जिसने घोड़े को प्रोड्यूस नहीं किया तो वो अननोन ही कहलाएगा। अगर कोई किसान है उसको घोड़ी खूबसूरत लगी, पुरानी घोड़ी है या अभी उसने ली, अभी लेंगी तो अभी की कंफर्मेशन अपने को पता लग जाएगी। किसी के घर में अगर 30 साल की घोड़ी है, ठीक है, वो कभी मेले में नहीं गया, उसको कभी बड़ा घोड़ा नहीं मिला, उसके बच्चे कभी अच्छे ब्रीडरों के पास में नहीं गए, तो वो बेचारी अननोन ही रहेगी। जैसे ही अच्छे ब्रीडर के पास में गई एक उसकी लाइन शुरू हो जाएगी। क्या वो लाइन कैसे शुरू होगी, कि जो पास्ट की जो कंफर्मेशन है सबसे पहले बंदा वो रखेगा कि भाई इसकी लास्ट माँ मैंने ये वाली देखी थी, ये इसकी कंफर्मेशन है, आगे की नहीं पता है। लास्ट इसका फादर हमारे पास में अलाइव है या मर गया, उसकी ये बेटी है, तो वो कंफर्मेशन सबसे पहले अपन पता लगाएंगे जीन से। अब उनके डीएनए नहीं हुए हैं तो उसकी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जब वो ब्रीडिंग करेगी, जब वो फीचर्स लाएगी, कदकाटा लाएगी, तो अपने को पता लग जाएगा कौन से घोड़े की है। अभी जैसे फेक ब्रीडर बोलते हैं काले काटे की है, दिलशान की है, आलीशान की है, ब्रह्मदेव की है, तो जो एक जानकार आदमी होता है वो बच्चों के फीचर्स, कदकाठा, उसकी मार्किंग देख के ऐसे ही बता देता है उस घोड़े का बच्चा है या नहीं है, यानी जो एक्सपीरियंस पर्सन। हाँ, अभी जैसे मेरे से पूछे सर ये किसकी बच्ची है, तो वो सर जो माँ बाप से में से बच्चा निकला है, अगर आप उसके माँ बाप को अच्छे से जानते हो तो बच्चे के फीचर्स देख के आप बता सकते हो ये उनका लड़का है या ये उस घराने का है। आप उसका खानदान, अगर आप पेरेंट्स का नाम नहीं जानते हो तो कम से कम आप उसका खानदान तो बता दोगे, जैसे उसकी पर्सनैलिटी। जैसे आजकल मेलों में होता है कि भाई घोड़े का बच्चा कितने का है, 30,000 का, कौन से घोड़े का बच्चा है, सान घोड़े का बच्चा है भाई। हाँ,
अब बताओ फीस उसकी मान के चलो 51 के करीब 30,000 में क्यों बेच रहा है? क्यों बेच रहा है? तो वहीं पे आदमी, तो उसमें समझदारी अपने को काम लेनी है, समझदार अपन खुद बने। अगर कोई दूसरा समझदार है तो उसकी समझदारी आपके साथ में काम नहीं आएगी। खुद समझदार बने, खुद समझदार बने, खुद एक अनुभवी आदमी बने। अनुभव ले क्या, जो सफेद बाल होते हैं ये अनुभव की निशानी होती है, एक्सपीरियंस का सिंबल होता है। कुल मिला के ये कि जैसे कोरोना में कि भैया खुद सतर्क रहें, अपनी सेवा सुरक्षा स्वयं करें, वैसे ही घोड़े में भी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। अभी कई लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पहले क्वेश्चंस बना के रखते हैं कि सर मेरे से यही सवाल जवाब करना तो मेरी नजर में वो कहाँ हॉर्स लवर है, कहाँ घोड़ों का जानकार है। भाई कैमरा शुरू होने के बाद में आदमी कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो अगर आपको जानकारी हो तो बोलो, पर नहीं है तो बोल दो मेरे को जानकारी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको चार झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप चार झूठ बोलोगे तो खुद की बातों में खुद ही फंस जाओगे। तो अगर फंसना नहीं हो तो उतनी बोलो जितनी जरूरत है, बाकी मना कर दो। भाई लेने वाला ये भी थोड़ी ना कहेगा सर आपको तो पता ही नहीं है, आप बड़े आदमी बनते हो तो मत बोलो ना यार। अगर आपको बात नहीं है तो नहीं है, क्योंकि सारे आदमियों को हर चीज की जानकारी थोड़ी रहती है, नहीं होती है। और जानकारी भी एक समय के अनुसार बढ़ती है। अगर आदमी चाहे मैं एक ही रात में घोड़े के बारे में जान लूं तो वो नहीं जान पाएगा। जो 40 साल से वो भी नहीं जान पाते, उनके भी सामने कभी मैंने देखा है कभी कभार घोड़े की ऐसी बीमारी सामने आ जाती है, वो बोलते कि यार हम भी क्या बताएं, बोले ऐसे करके सही बात वो भी बोलते ऐसे करके देख लो। हाँ। ये नहीं कहते कि हाँ भाई कन्फर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस तो आदमी को क्या चलता रहता है और मिलता रहता है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको घोड़े में कोई तकलीफ नजर आती है या कोई घोड़े में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है या घोड़ी बीमार है या कोलिक प्रॉब्लम है या कैसी भी प्रॉब्लम है, घोड़ी दाना नहीं खा रही है, पेशाब नहीं कर रही है, घोड़ी लीद नहीं कर रही है, घोड़ी लूट ना कर रही हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो कि डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो डॉक्टर से करें, जो एक घोड़े का डॉक्टर है। आप हॉर्स लवर के पास में मत जाओ। नहीं तो लोग ये बोलते हैं कि भाई पहले हम देसी इलाज देके देख लें, अगर नहीं फायदा पड़ेगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। देसी इलाज देसी आदमी को ही लगता है। अच्छा। देसी इलाज देसी आदमी को ही लगता है जो देसी देसी रहता हो। अब जो लोग फिल्टर रहते हैं, एसी में रह रहे हैं, मिट्टी में पैदल नहीं चलते हैं, जमीन पे पैदल नहीं चलते हैं, तो उनको देसी दवाइयां सूट नहीं होगी क्योंकि उनकी बॉडी एडिक्ट हो चुकी है उस एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसा दिया जाए। घोड़ी की बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसा कब दिया जाए। अभी जैसे प्रेग्नेंट घोड़ी हो, कोई दूसरी दिक्कत हो, तो अपन इलाज नहीं कर सकते हैं। वो डॉक्टर बताएगा कि सर घोड़ी प्रेग्नेंट है, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगेगा टिटनेस के अलावा, कोई बुखार का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं लगता है, कोई भी ब्लड सर्कुलेशन का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं लगता है, कोलिक हो गया हो, घोड़ी क्या पण है, वैक्सीनेशन लगवा दिया। ये कि रिस्क ना लें, रिस्क ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी घोड़े वाले को उठा के फोन ना करें कि सर मेरी घोड़ी के बच्चा हो रहा है, बच्ची निकल नहीं रही है क्या। अगर अनुभवी आदमी होगा वो बता देगा। लेकिन मेरा तो कहना है जो रजिस्टर्ड होके जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसने एग्जाम दिए हैं, जिसके पास में इतनी घोड़ियां आती है अस्पताल में, उस डॉक्टर से अपन कंसल्ट करें तो सबसे बेहतर रहेगा। अब जैसे कि आदमी अपने घर में जैसे इंजेक्शन लगाना जानता है पर नहीं लगाता, पर घोड़े वालों में मैंने क्या देखा है, घोड़े वालों में मैंने क्या देखा है, डॉक्टर वॉक्टर तो शायद ही आता हो, सभी अपने आप ही ठोक देते हैं। बिल्कुल। कई ये एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी वैक्सीनेशन लगाना आता है, तो मैंने एक बार समझदार बनने की कोशिश करी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, कई बार बन जाते हैं, तो मैंने कहा यार अभी डॉक्टर साहब है नहीं, बाहर गए हुए हैं, दो दिन में आएंगे, तो अपन ही एक्स्ट्रा करते हैं, अपन ही लगा देते हैं इंजेक्शन। तो मैंने क्या करा, कंपाउंडर से कंसल्ट करा, मेडिकल वाले से कंसल्ट करा। क्या अब उस मेडिकल वाले ने लगाया थोड़ी ना, वो तो जो मांगने आते हैं उनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन सिरिंज देते हैं, ठीक है। अब मैंने ट्राई करा कि यार मैं घोड़ी के लगाऊं, तो घोड़ी के वैक्सीनेशन का लगता है गर्दन पे लगता है। मैंने घोड़ी के वैक्सीनेशन लगाया, वो मुझसे गलत लग गया, तो घोड़ी के यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, पूरे में सूज गया हुआ ऐसा गोला, बहुत बड़ा गोला। अब वो सूजने के बाद में फिर मेरे को वापस डॉक्टर को फोन करना ही पड़ा, फिर वो आया ही होगा डॉक्टर। फिर डॉक्टर ने कहा कि सर आप ऐसा करो, अब इसको बर्फ का इसके सेक करो, ये स्वेलिंग अपने आप निकल जाएगी। फिर डॉक्टर साहब खुद आए, उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया, बोला पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप घर में डॉक्टर ना बना करें। उसके बाद में सर ये एक्सीडेंट था मेरा 3 साल पहले का, तो अब इस उसके बाद में अब ऐसा कोई भी सीन में क्रिएट नहीं करता हूँ मैं, तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करता हूँ। अगर मान लो मेरी घोड़ी की कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है और वो प्रॉब्लम अगर मैंने पहले ठीक भी करी है और मेरे को लग रहा है कि यार यही प्रॉब्लम वापस आई है, तो मैं तो दोबारा वापस डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ कि सर वो सिचुएशन वापस आई है, तो एक बार आप आके स्वयं देखें,
फिर आप मेरे को बताएं। और ये करना भी चाहिए, अरे ज्यादा ज्यादा डॉक्टर 200-300 ही तो ले जाएगा, ज्यादा ज्यादा डॉक्टर 200-300 ही तो ले जाएगा और क्या ले जाएगा। ये कोई गाड़ी नहीं है कि आज इस मिस्त्री को दिखा दिया, आज उस मिस्त्री को दिखा दिया। सर ये सजीव जानवर है, जीवित है, सांस लेते हैं, खून चल रहा है, अपनी तरह है। अपन जितने सेंसिटिव है उतने ही घोड़े हैं। अपने को जितनी सर्दी लगती है उतनी घोड़ों को लगती है। अपन जितने जल्दी नाराज हो जाते हैं किसी बात पे उतने जल्दी घोड़े भी नाराज हो जाते हैं। खल बस फर्क इतना सा ही बोल नहीं पाते, बाकी सब चीज सेम है। तो ये देख रहे हैं कि भगवान तूने मुझे बेजुबान बनाया, इनको जबान वाला बनाया, तो ये जो मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, ये मेरे को इस कदर मार रहे हैं। तूने मेरे को जानवर बनाया तो मेरी ऐसी मौत हो रही है, मेरी ऐसी सिचुएशन है, तो तूने इनको इंसान बनाया, तू इनको किस कदर मारेगा। तो ये मन में ही हंसकर खुश हो जाते हैं कि यार भगवान मैं जानवर बन के ऐसी मौत मरा, लेकिन ये इंसान है तो इनकी मौत तो मेरे से भी बदतर होगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं इस वीडियो में के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास जो भी बेचारे गरीब घोड़े वाले हैं उनकी मदद करें, क्योंकि जैसा कि इस साल उनका कोई सीजन रहने वाला नहीं है। हाँ, मेरा भी ये कहना है सर, अगर 5,000 कोई घोड़े वाला दे सकता हो तो वो 5,000 दो, कोई 50,000 बड़े बड़े है ना, जो बिग डील 70 लाख का घोड़ा है, 51,000 घोड़ी खुलाने के लेता हूँ, 70,000 लेता हूँ, तो उस 70,000 में से 5,000 रुपए निकाल लो यार, मजा आ जाएगा। वो दुआ करेंगे, दुआ हमेशा यार देखो लगती है। कम्युनिटी तो अपनी है ना, अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो क्या ऑटो यूनियन वाले थोड़ी ना मदद करने जाएंगे उनको। बिल्कुल सही बात है, जो यूनियन में जो बने हुए हैं, बड़े बड़े पद ले रहे हो, आपको सरकार से पेमेंट मिल रहा है, फिर जिसका जानवर जिताते हो वो पैसे देता है, तो कम से कम यार जिनकी बदौलत ये सब कुछ मिल रहा है, जो सक्सेस मिल रही है, जो एक नाम मिल रहा है, तो कम से कम उनके लिए तो कुछ योगदान दिखाओ। और घोड़े वाले इतने भी नहीं है कि भाई कि उनकी मदद नहीं की जा सके, गरीब ऐसा थोड़ी सर, भाई घोड़ा वाला मैं बताता हूँ, जो लाइन एज के घोड़े रखता हो, जो खूबसूरती वाले घोड़े पालता हो, वो घर में आपको सक्षम में मिलेगा। उसकी इनकम आपको इतनी मिलेगी कि वो जब भी चाहे किसी की मदद कर सकता है, उसी के घर में घोड़ा देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसे घर कौन से हैं जिनके घर में अपने को घोड़ा तो मिले लेकिन सक्षम वो घोड़े पे ही है, तो वो अपने को कौन मिलेंगे? सिटी में तांगे वाले, जो जिसका रोजगार सुबह पहले घोड़े से ही शुरू होता है। अभी मैं अजमेर में था तो मेरे को एक बंदे ने एक तांगे वाले से मिलाया, तो बंदे को मैंने जैसे कि पूछा, मैं जाके बातचीत करता हूँ पहले इंटरव्यू लेने से पहले, भाई क्या है, तो वो तांगे वाला आने के बाद में रोने लग गया। मैंने उसको पूछा भाई हुआ क्या, बोले सर 3 महीने हो गए, 3 महीने में मेरे पे इतना उधार हो गया कि मैं एक तो ब्याज चुका रहा हूँ और ऊपर से फिर मेरे को ये भी देखना पड़ता है कि मेरा पेट कैसे पालना है, फिर तीसरा ये घोड़े को भी खिलाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ऐसे लोगों की अगर मदद कर दी जाए तो वो दुआ ही देगा, बद्दुआ तो देगा ही। सर वो एक बात है कि पैसा पैसा परशुराम, पैसे तेरे 3 नाम। मेरे दादा बोलते हैं ये बात कि बेटा पैसे के 3 रास्ते होते हैं, कमाई के भी और जाने के भी, ठीक है। तो इसका ये क्या 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 कहावत है कि पैसा पैसा परशुराम, पैसे तेरे 3 नाम, दान भोग और नाश। अगर आप हराम की कमाई कमाओगे या आप किसी को धोखा देके कमाओगे तो उस पैसे का या तो नाश होगा या वो हराम में जाएगा। अगर बाप ने हराम की कमाई करी है तो बेटा उस पैसे को दारू में उड़ाएगा, अय्याशी में उड़ाएगा, होता भी आज के टाइम में क्या, और उससे नहीं पैसे हैं तो उसके पोते क्या करेंगे, उसको भोगेंगे। पैसे को भोगना क्या होता है, कार खरीदेगा बिना कमाई की, है ना, कभी भी खरीद सकता है क्या, उसको कोई मतलब नहीं इसकी वैल्यू मार्केट में आगे क्या आएगी। तीसरा, जिसके परदादा ने, दादा ने, बाप ने अच्छे संस्कार दिए हो, जो एक संस्कार में पला हो, उसका पैसा दान में जाएगा। ये समय है दान करने पर। मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग अगर दान करें तो वो दान करें तो दादा के नाम का कर देना यार, दादा के नाम का कर देना। और दूसरा ये कि उस बंदे की एक फोटो खींच के फेसबुक पर डालें, जिससे लोगों ने जैसे तो एक पाले जी वाटा प्रवासी मजदूरों को उसकी भी फोटो खींच के डाल दी, पर अगर तुम करोगे तो हो सकता है कि तुमको देख के 3-4 लोग और कर देंगे। अभी जैसे लॉकडाउन में जैसे हम लोगों ने जितने भी आवारा बार के जानवर है जिनके मालिक नहीं है उनको आवारा कहा जाता है। आवारा का मतलब ये नहीं है कि बदमाश, जिनका घर बार ना हो उन्हें बंजारा कहते हैं। कास्ट होती है बंजारा भी, तो बंजारे का क्या मतलब होता है, जहाँ खाना मिल गया खा लिया, रात मिली वहां सो गए। तो हमने क्या किया था सर कि हम 10 दोस्तों ने मिलके रोज एक पिकअप चारे की, जितनी भी बार गायें हैं, बकरियां हैं, भैंसे हैं, जो बेचारी यूं ही घूमती है, रोज सुबह 11 बजे हम पिकअप लेके चारों तरफ घूमते थे, गवर्नमेंट से परमिशन लेके, CI से हमने परमिशन ली थी हमारे गौशाला से। वो सभी लोग, हम 5 से 6 जनों की टीम चलती थी, कभी इस वाले 2 रुपये, कभी इस वाले 2 रुपये। जहाँ पे हमको झोपड़ियाँ मिली हमने वहाँ पे उनको राशन पहुँचाया क्या, जहाँ पे उनको
खाने पीने की बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको हमने जगह प्रोवाइड। मैं भी यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि मैंने कि बहुत सारे लोग जैसे कि अपन बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भाई चलो बातचीत तो बहुत होगी, तूने क्या करा ये बता। हमने तो सर हमारे तो यहाँ आसपास में ऐसे बेजुबान इंसान है नहीं। हमने तो मेरे पुष्कर में तो आप घोड़ों की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मेरे अलावा और कोई नहीं मिलेगा पुष्कर में, नहीं रखता कोई पुष्कर में घोड़ा रखने वाला। ठीक है, अजमेर में अगर मैं बात करूँ तांगे वाले अगर रो रहे हैं तो मेरे सामने अगर देखूंगा मैं कंडीशन तो मेरे से तो एक पल नहीं खड़ा रह जाता है, मैं तो तुरंत उसको निकाल के पैसे दूंगा। अगर वो पैसे नहीं ले रहा है तो मैं उसको 5 बोरी जौ की, 5 बोरी बाजरे की, क्या कुट्टी के पैसे 2000 रुपये दूंगा कि यार 1 महीने का तेरे पास में स्टॉक आ गया तो खिला आराम से। कम से कम ये तो अपन कर सकते हैं। अपने को लग रहा है कि यार ये भी घोड़े रखते हैं लाइन के नहीं रखते हैं, इनका तांगे से काम चलता है या शादी ब्याह से चलता है, उसके गांव के आसपास अगर वैसे लोग हैं कि जैसे अभी मेरे गांव में स्टड है और मेरे गांव में कोई गरीब लोग अदर कास्ट का घोड़ियाँ रखता हो और उसकी ऐसी कंडीशन हो कि यार भाई साहब यात्री नहीं आ रहे, मैं घोड़ी लेके कहाँ जाऊँ सर, घुमा ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, तो मैं हूँ उसके लिए मदद के लिए, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो जैसे बड़े बड़े ब्रीडर हैं उनके आसपास में अगर ऐसे लोग हैं तो आज कार निकालो यार, 2-2 बोरी उनको देकर आओ, ढूंढो, अगर आसपास में नहीं हो तो आसपास में ढूंढ लो या किसी से पूछ लो। और ये और ये और जो ये वक्त महामारी का आया ये बार बार तो आने वाला है नहीं, 100 साल में भगवान परख कर रहा है। इसमें भगवान परख कर रहा है कि ये सक्षम आदमी आज कितने जरूरतमंद की मदद कर सकता है। अगर नहीं करी तो बेटा पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में, नहीं तो सुनामी में, नहीं तो भूकंप में। तो आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है कि उनके घोड़े की बीमारी के लिए पैसा चाहिए, जो बंदे को वास्तव में चाहिए, वो लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8745005933, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, तो हम जितने भी लोग हैं जो मदद करना चाहेंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आपकी मदद करवा पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।